मंडी जिले के सुहड़ा मोहल्ला स्कोडी खड्ड के पुल के साथ बना डंगा अचानक ढह गया। इसी के साथ डंगे के साथ बनी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क का पुनः निर्माण किया जाए। बारिश की वजह से हुई प्राकृतिक आपदाओं का नगर परिषद अजय पराशर ने जायजा लिया। इस सड़क के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि 2007 से बनी इस सड़क का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है, जिसके साथ ही पिछले वर्ष भी इस तरह की परेशानियां सामने आई थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। इन आपदा घटनाओं का जायजा लेते हुए नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अजय प्राशन ने बताया कि भूस्खलन संबंधित घटनाओं की छोटी छोटी मुरम्मतें जल्द की जा रही हैं। इसके साथ इससे प्रभावित हुए लोगों को फौरी राहत भी दी जा रही है, जिसके साथ ही यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो नगर परिषद द्वारा उनके रहने की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। मैं आपका ध्यान एक ऐसी समस्या के बारे में दिलवाना चाहता हूँ कि ये जो सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 2012 से लेकर अभी तक इसकी हालत इसी तरह की हर बरसात में ऐसी हो जाती है और यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। इसके बाबत हमारे पार्षद महोदय, दो दो वार्ड मेंबर यहाँ से हैं हमारे, वो सब दोनों वार्ड मेंबर भी इसके लिए कई लोगों से मिले हुए हैं, संबंधित विभाग से मिले हुए हैं, मिले और उनको ये समस्या के बारे में बताया। जिलाधीश महोदय को इस बारे में अवगत करवाया, ऑलरेडी अवगत करवाया जा चुका है और खुद हम नवज्योति कला मंच PWD विभाग अभी मुख्य अभियंता के पास इन चीज़ों को लेकर डेपुटेशन हमारा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये सड़क और ये पुल हमारा हॉस्पिटल रोड जो जुड़ता है जिस पुल को लेकर, लेकिन यहाँ पे 10-15 मीटर सड़क अभी भी कच्ची क्यों पड़ी हुई है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि माननीय विधायक महोदय अनिल शर्मा जी से भी हमारे पार्षद महोदय कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया है। 3-4-5 हज़ार लोगों की आबादी वाला ये बस्ती, यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन ये सड़क खराब होने की वजह से कई बच्चे यहाँ गिरते हैं, कई वाहन यहाँ से पलट जाते हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सड़क आज तक क्यों नहीं बन पा रही है, जबकि इसका उद्घाटन, इसका जो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2004 में किया गया था और 2007 में इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया। जैसा कि आप लोगों को अवगत है, पिछले 2 दिन से जो बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल हुआ है, उसके कारण पूरे शहर के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर करीब करीब 15 से 18 तक स्पॉट्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत जगह के ऊपर फ्लडिंग हुई है। जैसा कि अभी हम यहाँ पे हैं, सुड़ा मोहल्ला में है, वार्ड नंबर 4 में, यहाँ पे जो रास्ता है वो पूरा का पूरा ही रास्ता बैठ गया है, तो अभी टेम्प्रेरी तो हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ से क्रॉस ना कर पाए। ऐसा ही हमने जेल रोड में देखा, लाल कोठी में, मंगमाई में बहुत सारा लैंडस्लाइड है, पड्डल में हुआ है, तो अब वार्ड नंबर 5 में हुआ है। तो अभी जो है हमने टेम्प्रेरी इसकी रिपेयर के लिए हम एक बड़ा शॉर्ट जैसा 2 दिन का टेंडर कर रहे हैं और हमने 80 से 90 जो लेबरर हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं किसी कभी के घर के आसपास या रास्ते के आसपास लैंडस्लाइड होता है तो कमेटी के नंबर के ऊपर वो हमें कभी भी फ़ोन करें, समस्या अपने लिखवाएँ वहाँ पर, और जो माइनर रिपेयर है वो तो हम तुरंत प्रभाव से कर रहे हैं और इन सब के जो डिटेल एस्टिमेट है वो हम तैयार कर रहे हैं और जनरल हाउस से पास करवा के विद इन 2 मंथ्स जो है ये सारी रिपेयर हम कर रहे हैं, तथा जहाँ जहाँ ये जिनके घर के आगे या पीछे डंगे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, वहाँ पे उनको हमने तिरपाल आवंटित किए हुए हैं, तथा कुछ लोगों को हमने फौरी राहत भी दी है जो कि मैनुअल के तहत उनको दी जाना उचित थी। फिर भी मैं चाहूँगा जहाँ लैंडस्लाइड है वो लोग थोड़ा प्रिकॉशन रखें, अगर उनको रात को बारिश होती है तो वो हमसे संपर्क करें, चाहे तहसील में करें, चाहे कमेटी ऑफिस में करें, उनके अल्टरनेटिव रहने की जो व्यवस्था है वो भी प्रशासन और MC जो है करेगी।